गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम अभिषेक और बीगल बुजो की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बुजो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज उसकी वैक्सीनेशन है। आई होप उसकी ये वैक्सीनेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चल के देखते हैं। चलो बुजो महाराज, वैक्सीनेशन टाइम। शाम 5 मिनट की बात है। लेकिन वो ट्रीट्स काम आएगी जब इसको इंजेक्शन लगेगा या इसके नेल्स कट होंगे, तब उछलता है ना। ओह नो, सोच रहा है कुछ कि दाल में कुछ काला है। पूरी दाल ही काली है। इंजेक्शन लगेगा भूसो का। उतार दो इसकी। हो गया, गया। अच्छे से लगवा लिया। स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि लास्ट वाला अपना गेस्टों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अच्छा, तो अभी आप चालू कर दीजिए। आज के दिन छोड़ के कल से स्टार्ट कर दीजिए। कल से स्टार्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं, सिर्फ इतना ही है कि जितना हो सके कचरे से दूर रखिए। अच्छा, हाथ में आप एक आधा स्टिक लेके चलिए क्योंकि ये छोटा होने के कारण कोई भी बड़ा डॉग अटैक कर सकता है। अच्छा, और ऑलवेज बेटर अभी से उसको सिखाना शुरू कर दीजिए कि जैसा आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं तो आप थोड़ा सा जस्ट जर्क देके उसको बोलेंगे स्टॉप। तो एक्चुअली वो उस हिसाब से सिखाएंगे तो उसको ट्रेनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे एक साथी वो नंबर लेफ्ट हैंड पे चलेगा। 600 ग्राम बढ़ गया उसका 10 दिन में। जो भाई साहब मेंस का काम है और जो उम्र है जहाँ से काटा हुआ उसको बेटाडीन से रोज पी लीजिए। जस्ट आप बेटाडीन लगा दीजिए घर से और लगाने के बाद आधा घंटा से भी वहाँ पे पास मिल जाएगा। फिर मदर के पास बस बस
बस खत्म हो गए और थोड़ा धीरे धीरे हेलो इसको उल्टा करना पड़ेगा बुझो तो फाइनली बुजो की वैक्सीनेशन और इसके नेल्स कट हो चुके हैं और कंपैरिजन जब हम आ रहे थे उसके मुकाबले तो ये काफ़ी शांत हो गया है, शांत बैठा है। बस अब चलते हैं घर, चलते हैं आगे वैक्सीनेशन का कैसा असर रहता है। पिछली बार तो इसको फीवर हो गया था, इस बार देखते हैं कैसा रहता है बच्चे को। चलो बाय बोलो बुजो।